दिल्ली के मंडी हाउस स्थित फिक्की ऑडिटोरियम और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया है। दरअसल दमकल विभाग की 40 गाड़ियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने में। आग रात करीब 2 बजे लगी और फिक्की के टॉप फ्लोर पर ही आग लगी थी, जिसके बाद नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में ये आग फैल गई। फायर विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बिल्डिंग में आग से निपटने के उपकरण काम नहीं कर रहे थे, यानी कि फायर सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स थे वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, जिससे आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग बुझाने के दौरान 6 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आग किस वजह से लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस म्यूजियम में आग लगी उसके सबसे टॉप फ्लोर पर एसी यूनिट्स लगे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण भी लग सकती है, लेकिन क्या वजह रही है ये फिलहाल पता नहीं लग पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग, लेकिन फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आए, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया इस आग पर काबू पाने में। तो 40 दमकल की गाड़ियां लगी तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन ये आग लगी कैसे है ये फिलहाल पता नहीं लग पाया। लेकिन फायर सेफ्टी के जो अरेंजमेंट्स थे वो क्यों नहीं पहले से इस तरीके से रखे गए थे कि वक्त पड़े तो काम किया जा सके। इस फ्लोर के आसपास मतलब आग थी और बाद में धीरे धीरे बढ़ी है, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह आग लगी थी और कैसे कैसे आग ये सभी फ्लोर में लगी है। ये नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, उसका ऑफिस है और उसमें आइटम्स हैं, उसमें जो म्यूजियम है, म्यूजियम के जो डिफरेंट आइटम्स हैं। डिटेल्स में जो इन्वेस्टिगेशन आएगा कि क्या इसका क्या कारण रहा है, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कारण। आग एकदम से तेजी से फैल गई थी और फैलने के दौरान जो है कुछ हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी अंदर की तरफ से आग बुझा रहे थे वो फंस गए थे, और उनको बचाने के लिए भी जो काफी मशक्कत करनी पड़ी। 6 के करीब जो है लोगों को इंजरी का था और बाकी जो क्या उनको चोट लगी वो बाद में आपको बता देंगे। और आग बुझाने के अंदर जो है दूसरी समस्या ये आई कि बिल्डिंग का जो साधन इसके जो काम फायर फाइटिंग मेजर्स है वो काम नहीं कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे थे तो शायद आग को जो है जल्दी काबू पा लिया था। और नीरज गौड़ है तमाम जानकारियां देने के लिए। नीरज, 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा इस आग को बुझाने में, लेकिन जिस तरीके से इतनी महत्वपूर्ण ये बिल्डिंग है, किस तरह का नुकसान हुआ है? और एक और बात जो निकल करके आ रही है, जो अधिकारी खुद कह रहे हैं कि वहां पर फायर सेफ्टी के जो भी अरेंजमेंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी के इंतजाम तो थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। तमाम लोग, तमाम बच्चे यहाँ पर हमेशा आते थे इसको देखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से रात 2 बजे के आसपास ये आग लगी, उसके बाद में आधे घंटे के भीतर पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आग ऊपर वाले फ्लोर से लगना शुरू हुई, उसके बाद आग नीचे वाले फ्लोर तक लगती ही चली गई। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है, 6 मंजिला ये बिल्डिंग है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नीचे वाला जो बेसमेंट है उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर, जो कि वहां पर आग नहीं है, उसके बाद में जो ऊपर वाले फ्लोर है वहां पर ये आग फैल गई थी। उसके बाद में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर, जो कि वहां पर हमेशा से ही प्रदर्शनी लगती थी, उसके बाद में ऊपर वाले जो फ्लोर है वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, और ठीक ऊपर वाले जो फ्लोर है वहां पर ऑफिस थे, वहां पर साइंटिस्ट बैठते थे। लेकिन जिस तरीके से अगर ये हादसा दिन में होता तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें फायर के जितने भी कर्मी हैं, जो कि बताए गए कि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 2 को ज्यादा इसमें जो कि उनकी हालत है और जिस तरीके से उनको जारा लगी है, और उसके बाद में बाकी जो 4 लोग हैं उनको मामूली रूप से वो घायल हैं। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 35 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो यहां पर पहुंची थी, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया, और वहीं इसी के साथ यहां पर हाइड्रोलिक मशीन को गया था, उसके जरिए यहाँ पर आग पर कंट्रोल किया गया है। फिलहाल अभी यहाँ पर कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी जो धुआं है वो यहाँ पर उठ रहा है ऊपर वाले फ्लोर से, जो कि फायर के जो कर्मी हैं वो अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और जिस तरीके से 2 बजे आग लगी थी और 8 बज गए, 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आग पूरी तरीके से अभी स्टॉप नहीं हुई है। कूलिंग ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है ताकि जल्द से जल्द पूरे तरीके से आग पर कंट्रोल किया जा सके। बात और भी बताइए कि यहाँ पर इतनी भीषण आग लगी कैसे, ये क्या, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है?
जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर काफी सारा ऐसा सामान था जिसकी वजह से आग लगी और आग तेजी से फैलती हुई चली गई। आधे घंटे के भीतर ही पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक का सामान था, प्लाईवुड का सामान जा रहा था, यहाँ पर इस तरीके का सामान बताया जा रहा है जो कि यहाँ पर जा रहा था, और यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा था वो भी सामान यहाँ पर टॉप फ्लोर पर रखा हुआ था। और शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह, लेकिन ये पूरी तरीके से जांच का विषय है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार में आग लगने की वजह क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आग जिस वक्त लगी थी उस वक्त जिस तरीके से 2 बजे के आसपास आग लगी और 2:30 बजे के आसपास पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था, और आग इतनी ज्यादा थी कि फायर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई थी। उसके बाद में तमाम गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया, जितने भी स्टेशन है दिल्ली में वहां से गाड़ियों को बुलाया गया, उसके बाद में आग को कंट्रोल फिलहाल अभी तक किया गया है, लेकिन जो कूलिंग ऑपरेशन है वो चल रहा है ताकि आग दोबारा से ना लग सके। चलिए नीरज अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।